की फिल्म पर पहले ही उठने लगे सवाल। पहले ही 3 बार बदल गई है रिलीज की डेट। क्या फिल्म में है लोगों को भड़काने वाली तस्वीरें? नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी विवादों में घिराई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी काल पर आधारित इस फिल्म के दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए पंजाब के खालिस्तानी समर्थक सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस फिल्म को रिलीज करने से रोक देने की मांग की है। फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने पत्र में कहा कि फिल्म इमरजेंसी में सिखों को गलत तरीके से पेश करने की खबरों के सामने आ रही है, इससे समाज में शांति और कानून की स्थिति भी बिगाड़ने का डर है। फिल्म में सिखों के अलगाववादी और आतंकवादी के रूप में फिल्माया गया है और एक साजिश है, हम इस साजिश को नहीं आने देते। ये फिल्म एक मनोवैज्ञानिक हमला है जिस पर सरकार को पहले से ध्यान देकर दूसरे देशों के सिखों के प्रति अपनी नफरत और भड़कावना वाली बंद कर देनी चाहिए। सांसद सरबजीत खालसा ने कहा कि देश में सिखों पर नफरत भरे हमलों की खबरें सामने आती रहती हैं, ऐसे में ये फिल्म सिखों के प्रति नफरत फैलाने का काम करेगी। सिखों ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी जो फिल्मों में नहीं दिखाया गया, लेकिन सिखों को बदनाम करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और ये फिल्म भी उसी साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कंगना रनौत ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर लॉन्च किया है। फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आया गया है। ये फिल्म साल 1975 से लेकर 1977 के बीच आपातकालीन दौर की कहानी है। ट्रेलर से साफ है कि यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी पर आधारित है और फिल्म में आतंक के दौर को भी दिखाया गया है। इसमें जरनैल सिंह भिंडरवाला को भी दिखाया गया है जिसे खालिस्तानी समर्थक संत के तौर पर दिखाया गया, जबकि भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया है। फिल्म में ब्लू स्टार ऑपरेशन को लेकर भी फिल्माया गया है जो भिंडवाड़ा को खत्म करने के लिए चलाया गया था। फिल्म में कंगना रनौत के अलावा अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन, श्रेया तलपड़े और कई सितारे नजर आएंगे। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान उन्हें धरना देने वाली महिलाओं के बारे में कह दिया था कि ये लोग 100-100 रुपए लेकर धरने पर आती हैं। इसे लेकर कंगना के खिलाफ पंजाब के कोर्ट में मानहानि का केस भी किया गया था। बीते दिनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CIFF महिला कर्मी ने किसान आंदोलन को लेकर की गई टिप्पणी के कारण कंगना को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था और फिलहाल जो फिल्म की रोक को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है और फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आप भी देखिएगा और जानिएगा कि क्या ये इमरजेंसी आपके हित में थी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।